हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिक्रेले। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या सर्जरी से फिट होकर लौटने के बाद गजब के फॉर्म में हैं और वो लगातार धुआंधार पारियां खेल रहे हैं। पांड्या बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी कहर ढा रहे हैं। मुंबई में घरेलू T20 टूर्नामेंट DY पाटिल T20 ट्रॉफी खेल रहे हार्दिक पांड्या ने एक और तूफानी शतक जड़ा है और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 158 रन बनाए। हार्दिक पांड्या द्वारा बनाया गया यह स्कोर किसी भी भारतीय का T20 का हाईएस्ट स्कोर है। हार्दिक ने रिलायंस वन टीम की ओर से खेलते हुए BPCL टीम के खिलाफ 55 गेंदों में 6 चौके और 20 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 158 रन की नाबाद पारी खेली। पांड्या ने लगातार 3 छक्के लगाकर अपने आक्रामक अंदाज भी जाहिर कर दिए और 39 गेंदों में इस टूर्नामेंट का दूसरा शतक जड़ा। इस धमाकेदार पारी के दौरान हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 287.27 का रहा। मुंबई में खेले जा रहे 16वें DY पाटिल T20 में हार्दिक पांड्या ने अब तक 4 मैच खेले हैं जिसमें वो 2 शतक लगा चुके हैं। पहला मैच पांड्या ने बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ खेला था जिसमें 25 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए थे। वहीं दूसरे मैच में उन्होंने 39 गेंदों पर ही 105 रन की शतकीय पारी खेली थी और तीसरे मुकाबले में उन्होंने 46 रन की पारी खेली थी। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज शाम नए चयनकर्ता सुनील जोशी और हरविंदर सिंह के नेतृत्व में टीम की घोषणा हो सकती है और इस सिलेक्शन में सबसे अधिक निगाहें हार्दिक पांड्या के ऊपर जमी रहेंगी। हार्दिक की इस परफॉर्मेंस के बाद टीम में उनकी वापसी तय मानी जा रही है। हार्दिक से पहले T20 में बतौर भारतीय बल्लेबाज हाईएस्ट स्कोर श्रेयस अय्यर का था। अय्यर ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में मुंबई की ओर से खेलते हुए ग्रुप सी के मैच में सिक्किम के खिलाफ 147 रन की पारी खेली थी। यह मैच इंदौर के मैदान पर खेला गया था। हार्दिक पांड्या ने अब तक इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेले हैं जिनमें उन्होंने 347 रन बनाए हैं जिसमें 2 शतक भी शामिल हैं, जबकि तीसरे मैच में उन्होंने 5 विकेट भी चटकाए थे। हालांकि वो फाइनल में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और उनकी टीम ने अपने हाथों से टूर्नामेंट गंवा दिया। तो दोस्तों, हार्दिक के इस प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से क्या हार्दिक साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडियन स्क्वाड में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं? इस पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग एंड अपडेटेड न्यूज स्टोरीज एंड फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।